फॉर्मूला लड़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला, घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों बार मेरे सिलेक्शन ना होने के कारण फिजिक्स ही था, और एक बार तो अपने आप से तो बोलिए भाई कि हो जाएगा मुझसे, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उसके कॉन्सेप्ट से उठा लेता है, लेकिन एनसीईआरटी आपको इग्नोर कर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में अभी जो 6-7-8 महीने बचे हैं, इसमें क्या मॉड्यूल लगाया जाए और क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाए कि आप 160 प्लस मार्क्स तक जा सकें। मेरा मैं बताऊं तो फिजिक्स बहुत ही वीक था, और दोनों बार मेरे सिलेक्शन ना होने के कारण फिजिक्स ही था, और मोस्ट ऑफ द जो नीट एस्पिरेंट होते हैं उनका भी फिजिक्स वीक ही होता है। तो देखो यार, मेन होता है ना फिजिक्स का फोबिया, ठीक है। अपने दिमाग से ही हटा दो कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। जितना भी तुम डरोगे ना कि यार टफ है, मुझसे नहीं होगा, ये दिक्कत दे रहा, कैसे लगा लूंगा मैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, फिजिक्स तो इतनी लेंदी है, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कैसे याद हो जाएगा मुझे, एक बार तो अपने आप से तो बोलिए भाई कि हो जाएगा मुझसे, ठीक है। मैं कर लूंगा, जरूर कर लूंगा, और मैं सिलेक्शन लेने आया हूँ गांव से या मैं कहीं से भी पढ़ रहा हूँ, माँ बाप की इतनी उम्मीदें हैं, तो डेफिनेटली मैं कर लूंगा, ठीक है। अपने आप से तो डेली बोल कि फिजिक्स मैं कर लूंगा, हाँ एक बार और बोल मैं जरूर कर लूंगा, बढ़िया। तो मेन अपने आप से अंदर से फोबिया हटानी है। पढ़ाई तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आपके अंदर फोबिया रहेगा तो आप नहीं ओवरकम कर पाएंगे। और देखो जो मैं बताया था, पूरा फॉलो किया था मैं, पूरा जो मैं फॉलो किया था वो पूरा रूटीन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें आसानी लगे, ठीक है, ताकि तुम भी बेहतर कर पाओ अपने एग्जाम में। देखो मेन होता है तुम्हारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, बिना उसके कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी ज्ञान कोई ले ले इधर उधर से, कितनी भी फॉर्मूलाज तुम रट लो। क्योंकि मेरे दोनों अटेम्प्ट में मैंने यही सबसे बड़ी गलती की थी। गलती क्या, मुझे उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए थे जो गाइड कर पाए या उतना अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाए, और तब उतना ऑनलाइन भी नहीं था, मतलब 2-3 साल पहले तो उतना ऑनलाइन नहीं था, और अब जितने टीचर्स आ गए हैं वेरिएंट ऑनलाइन में, तो वही मेन मसला था कि मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था, और मैंने फॉर्मूला रट रट के 60 नंबर 70 नंबर तक मेरे फिजिक्स में आ जाते थे। तो यार मेन फॉर्मूला रटने से आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका 40 नंबर 60 नंबर से आपको 160 नंबर तक जाना है ना, 150+ नंबर फिजिक्स में लाने हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो फॉर्मूला जो होता है ना वो भी बहुत कम रटना पड़ता है। तो पहले अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बहुत सारे टीचर हैं, पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे ही फिजिक्स वाला सर अलक पांडे सर तो ग्रेट हैं, और मोहित त्यागी सर हैं, एलएम के कई टीचर हैं, और एनवी सर हैं, तो काफी लोग हैं। आप जिनको भी जो भी टीचर आपको बेहतर लगे वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ऐसे मॉड्यूल लगाओ, लाइक बड़े कोचिंग के ही मॉड्यूल लगाओ, मैं यही कहूंगा कि जैसे एलन का हो गया, आकाश का हो गया, ऐसे कोचिंग का मॉड्यूल लगाने से क्या होगा ना, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं कि आप एक क्वेश्चन लगाए तो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आइडियाज आ सकते हैं उसके बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो आपके अंदर वो थिंकिंग जो एबिलिटी होती है ना वो डेवलप होती है उन सब मॉड्यूल से लगाने से, और एग्जाम में आप देखेंगे कि मोर और लेस उसी पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि उनके जो मॉड्यूल होते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्व किया हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, वेरिएंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब वेरिएंट क्वेश्चन होने से ये फायदा होता है कि आपका कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं। पूरा चैप्टर मान लो आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन अगर पूरे वेरिएंट है, एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत वेरिएंट है, तो आप सोचो कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा 70 क्वेश्चन में। मान लो आपके 2 घंटे लग गए, लेकिन 2 घंटे में आपका एक फिजिक्स चैप्टर खत्म हो गया। बहुत से लोगों को तो 2 घंटा लग जाता है बायोलॉजी पढ़ने में एक चैप्टर, तो सोचिए आप 2 घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब भी ना लगा पाओ ना, तो सबसे अच्छा लगाने का तरीका है पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन देखो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही जैसे रहते हैं, और थोड़ा बहुत अलग इधर उधर करके जस्ट फॉर्मूला, या पहले ये पूछा तो दूसरा कभी पूछ लेता है ऐसे करके वो पूछ रहा, तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत है। और इन सब के मॉड्यूल में पीवाईक्यू भी रहते हैं, जो पीवाईक्यू बार बार आने के चांसेस हैं एग्जाम में, जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो आपका। अगर एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 2018, 19, 20, 22 तक 2-3 क्वेश्चन तो हुआ आ जाते हैं, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उसके कॉन्सेप्ट से उठा लेता है। और देखो फिजिक्स में तुम फॉर्मूला सीट तो साथ में बनाते चलो, अगर तुम फॉर्मूला सीट बना रहे हो बहुत अच्छी बात है। जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो समरी है उसे रीड किया करो, तो उसको रीड करने से ना बहुत बेनिफिट होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट थियरी भी सही हो जाएगी थियरी के साथ साथ, क्योंकि थियरी और इसमें दोनों जो थियोरेटिकल और आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल दोनों बढ़िया हो जाएगा ना, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर वही 60-70 नंबर पे अटक जाओगे आप।
तो फिजिक्स में जो समरी है उस पर ध्यान दो, वो बहुत ही अच्छी चीज है, उसको पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट टाइम में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी उसमें दिए रहते हैं तो उससे आसानी होती है चीजें। एनसीईआरटी ज्यादातर लोग इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको इग्नोर करना नहीं है, ठीक है। इंटेक्स वाले क्वेश्चन लगाओ, जो ज्यादा लंबे क्वेश्चन है छोड़ दो उन्हें, मतलब ही नहीं लगाने का। और कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि आईआईटी तक सॉल्व करना चाहिए हमें, तो मैं कहूंगा नहीं। तुम अगर ज्यादा लगाने का मन कर रहा, तुम्हारे पास टाइम बच रहा, तो तुम जेईई मेंस तक लगा लो बस, उससे ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है।